जय हिंद लर्नर्स, दिस इज प्रीति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ। आज के हमारे इस ई कंटेंट में हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट की, जो कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट? विमेन एम्पावरमेंट इज अ प्रोसेस टू एम्पावर द विमेन। जैसे कि आप सोसाइटी में देखते हैं कि विमेन्स जॉब भी कर रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं, लेकिन उनको सोसाइटी में वो इक्वालिटी नहीं मिल पाती है जो उनको मिलनी चाहिए। जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि सभी पुरुष, सभी महिलाएं, सभी बराबर हैं, उनको समान अधिकार हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, इसलिए महिलाओं को वो स्वतंत्रता, वो अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से कोई भी नेशन डेवलप करता है। तो कोई भी देश तभी डेवलप कर पाएगा जब उस देश की महिलाएँ, उस देश के बच्चे भी शिक्षित होंगे पुरुषों के साथ साथ। अब शिक्षित महिलाएं हो गई, लेकिन उनको वो अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, तो ज़रूरत है कि हम उनको बताएं उनके राइट्स के बारे में कि किस तरीके से वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा कर सकते हैं। सो विमेन एम्पावरमेंट इज टू मोटिवेट एंड डेवलप विमेन बाय प्रमोटिंग देयर पार्टिसिपेशन इन ऑल एरियाज एंड सेक्टर्स, टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज, इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग जेंडर इक्वालिटी विद इक्वल अमाउंट ऑफ opportunities. It is to help them to take their own decisions by breaking all their personal rules that the society and their family has created for them. It is to make them independent in all aspects, from thought, mind, decision, wealth, and to bring equality in society. जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि महिलाएं शिक्षित तो हो रही हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं। माइंड, जैसे कि वो कुछ परचेज़ करना चाहती हैं तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि यस, मैं ये परचेज़ करना चाहती हूँ। कोई डिसीज़न वो अपने आप से नहीं ले सकती हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में इनको वो इक्वालिटी नहीं मिल पाती है जो इक्वालिटी इनको मिलनी चाहिए। Women empowerment is a tool to develop a nation. In starting, I have told you because हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम नेशन के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। Developing one sector of the society and remaining the other sector underdeveloped would not make any difference in the growth of the nation. और जब नेशन की ग्रोथ की बात हो रही है, तो वहाँ पर बच्चों का शिक्षित होना, ठीक है, उनका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, वैसे ही महिलाओं का लिविंग स्टैंडर्ड होना भी बहुत अच्छा है। We need to take each section of the society together in the path of development. Empowering women is the main motto of the development department because an empowered mother with a child makes the bright future of the नेशन। देखिए, ये भी कहा जाता है ना कि अगर माता शिक्षित होगी तो उसका बच्चा जो है वो भी अच्छी तरीके से शिक्षित होगा। और ये आपने अपने आसपास इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब मम्मी जो है वो अपने बच्चे को लेकर कंसर्न होती हैं, तो उनके बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम सोसाइटी में फेस करने के लिए नहीं मिलती। इट मीन्स जब विमेन एम्पावर है, तो वो अपने बच्चे को भी पूरी तरीके से सशक्त बनाती हैं। एज वी नो, इंडिया इज़ अ पॉपुलर कंट्री, वेल on for its culture, heritage, etiquettes, history, landmarks, traditions, religions and many more. But yes, it is also famous for one more thing, जिसे हम कहते हैं पुरुष प्रधान समाज। फॉर दैम मैन आर मच बेटर देन वुमेन। हमारी सोसाइटी में ये बातें पूरी तरीके से लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं कि जो मैन हैं वो परफेक्ट हैं, वो बेटर हैं वुमेन से, और वुमेन को तो घर में रहना है, चार दीवारी में रहना है। बट नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप करे, आपकी फैमिली डेवलप करे, तो इट इज़ नीडेड कि फीमेल्स जो हैं, आई एम नॉट टॉकिंग कि फीमेल जाके बाहर जॉब करें तभी वो एम्पावर होंगी, ऐसा नहीं है। घर में आप हैं, अपने घर के बाकी लोगों का आप ध्यान रख रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा कर रहे हैं, तो भी आप एक एम्पावर वुमेन हैं। दे आर फार मोर बेटर देन वुमेन इन एवरी वे, राइट। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कदम उठाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उनको मोटिवेट करना है, उनको समझाना है, उनके राइट्स के बारे में उनको बताना है।
It is not a thing to forget that we belong from a country where, in our teachings, women are given the place of goddess and where we worship them. We use the statement Bharat Mata, but we often stay unaware of the real meaning of it. It means mother of every Indian whom we have to save and care always. Women are given first priority in India. However, they are treated very badly in their home and stays limited to their household stuffs only. They are kept completely unaware of their rights and their own development. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि वो पूरी तरीके से अनअवेयर हैं कि उनको क्या क्या अधिकार हैं और हमें उनको उन अधिकारों के बारे में बताना है, उनको जागरूक करना है, तभी वो भी डेवलप होंगे। और जब एक परिवार डेवलप होता है तो एक सोसाइटी डेवलप होती है, एक सोसाइटी डेवलप होती है तो एक नेशन डेवलप होता है, एंड दैट इज आर मोटो टू डेवलप आर कंट्री। वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेइंग बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू टू अवेकन द पीपल, it is the women who must be awakened. Once she is on the move, the family move, the village move, the nation moves. Pandit Jawaharlal Nehru ne bhi yahi baat kahi thi ki agar koi mahila jagruk ho jati hai to usse kya hoga, uska parivar jagruk hoga, uska parivar move karega, uska village move karega, aur then nation move karega. So from the above statement, it is quite easy to understand that if the women of our nation is developed, then the development of your nation is a must. So to achieve this thing, we need to destroy the demons killing the rights of women and ethics and values from the society, such as honor killing, illiteracy, dowry, rape, female infanticide, inequality, domestic violence, sexual harassment, illegal trafficking, prostitution and many other issues. हमारे देश में बहुत सारे ऐसे issues हैं जिनको females जो हैं वो हर रोज़ अपने घरों में झेल रही हैं, and just because of they are unaware about their rights और वो अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पाती हैं और घर में ही उनका दम घुट रहा होता है। तो what we have to do, we have to motivate them, we have to give them a positivity and we have to tell them about their rights. The most effective remedy to this problem is by providing proper education and providing exact information to them and making women empowered by ensuring the right to equality mentioned in the Constitution of India. In the starting I have told you कि हमारा जो constitution है उसने सभी को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है इसलिए महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, उन तक वो सूचनाएं भी नहीं पहुंच पाती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में विमेन जो हैं वो एम्पावर हो सकें तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही है कि उन तक एजुकेशन पहुंच सके। सो टू प्रमोट द गोल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, इट शुड बी प्रमोटेड फ्रॉम चाइल्डहुड इन ईच एंड एवरी फैमिली। ऐसा नहीं है कि बचपन में लड़का लड़की बराबर है और बाद में जाके जो है कह दिया कि विमेन के अधिकार अलग हो गए, पुरुषों के अलग हो गए। नहीं, बचपन से ही ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। घर में खाने के लिए जो बेटा होगा उसको कुछ और दिया जाएगा, जो बेटी होगी उसको बोला जाएगा नहीं कोई बात नहीं तुम इसी से काम चला लो। बेटे ने कुछ भी डिमांड की उसकी डिमांड एकदम कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगर आप कॉपी पेंसिल भी मांग रहे हैं तो वो भी आपकी डिमांड कंप्लीट नहीं होती है। तो फ्रॉम द बर्थ वो इस चीज़ को फेस करते हैं, विमेन इस चीज़ को फेस करती हैं। ये इंडियन सोसाइटी में ये कोई एक सोसाइटी की बात नहीं है, मोस्टली सोसाइटीज़ में ऐसा पाया जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है फीमेल्स के साथ। तो वी हैव टू स्टॉप इट। अगर हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे तो हमारी विमेन एम्पावर नहीं होंगी। और जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है, अगर एक विमेन एम्पावर होती है तो उसका पूरा घर मूव करता है, और घर मूव करता है तो विलेज मूव करता है, और विलेज मूव करता है तो नेशन मूव करता है। और अगर हमको डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में शामिल होना है तो हमें अपने देश की नारियों को सशक्त भी करना होगा। अब हम बात करते हैं कुछ लॉज के बारे में जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं। इनके बारे में हम डिटेल में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, सिर्फ आपको कुछ ईयर और कुछ एक्ट्स को याद रखना होगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस में जो हैं पूछ लिए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया था, जिसमें महिला और पुरुष दोनों को बराबर वेतन मान दिया जाएगा।
1961 में डोरी प्रोहिबिटेशन एक्ट आया। हालांकि आज भी हमारे देश में दहेज प्रथा जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, वो चल रही है, लेकिन हमारे देश में दहेज निषेध कानून है जो कि 1961 में बनाया गया था विमेन को एम्पावर करने के लिए। द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया था। देन 1961 में जब डोरी प्रोहिबिटेशन एक्ट आया था उसी समय पर एक और एक्ट आया था, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। उसके बाद आता है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। 1971 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बना था कि क्या नाम है, आप जो है मेडिकल टर्मिनेशन के लिए ये एक्ट आया था। उसके बाद आता है 1987 में द कमीशंस ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, सती प्रथा को समाप्त पूरी तरीके से कर दिया गया था, बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन क्या है उसको लेकर कुछ और रूल रेगुलेशन चेंज किए गए ताकि महिलाओं को और ज़्यादा एम्पावर किया जा सके। द प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में हमारे देश में चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया कि किसी भी महिला की 18 वर्ष से पूर्व विवाह नहीं किया जा सकता है और जो युवा हैं उनकी 21 एज से पहले उसकी शादी नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब एक बच्ची की शादी 18 से पहले कर दी जाती है तो शी इज़ नॉट मेच्योर, उसको नहीं पता कि उसकी लाइफ में उसको क्या क्या फेस करना है। देन उसको बच्चे होते हैं तो उसकी जो हेल्थ है वो लगातार गिरती चली जाती है और वो बीमार रहने लग जाती है। और ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म होती रहती है। इसके बाद 1994 में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994। 2013 में एक और एक्ट आया था, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जिसको प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एक्ट है, ये 2013 में ये एक्ट आया था कि अगर वर्क प्लेस पर किसी महिला के साथ कोई मिसबिहेव होता है तो महिला उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को उठा सकती है। इसके अलावा भी हमारे भारतीय संविधान में भी महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और UNO ने भी कन्वेंशन ऑफ राइट के तहत महिलाओं और बच्चों को बहुत सारे अधिकार दिए हैं जिसके तहत महिलाएं अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन अगेन कम्स कि उनको अपने राइट्स के बारे में उनको पता ही नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि सरकार ने उनको क्या क्या जो फैसिलिटीज़ हैं या कौन कौन से अधिकार उनको दिए हैं हमारे संविधान के तहत जिनके ज़रिए वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको विमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और आपने अपनी सोसाइटी में इस चीज़ को फील भी किया होगा, इस चीज़ को देखा भी होगा। बस ज़रूरत है कि आप उन चीज़ों को समझें और उनके प्रति अगर आपको लग रहा है कि वो गलत हैं तो उनके प्रति अपनी आवाज़ उठाएं। क्यों? क्योंकि आप एक जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एक ड्यूटी भी बन जाती है कि अगर किसी के प्रति कोई भी गलत कार्य हो रहा है तो आप उसके प्रति अपनी आवाज़ उठाएं और उनको पार करने की आपको भी ज़रूरत है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन मैसेज अस, वी विल गिव यू द आंसर। आज के हमारे इस ई कंटेंट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ई कंटेंट में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, जय हिंद। भारती।